जिन सभी महान विभूतियों सन्मुख हमारे बैठे हुए महान रत्न वैसे राधा जी ने बताया मायनी मायनी की बहुत महिमा की, लेकिन राजस्थान में इसको मायनी को बोलते मायन मना ये खान होती है और उसके अंदर इतना खजाना निकलता है तो सचमुच ही मायनी के अंदर बहुत बड़ा खजाना निकलने वाला है, ये मुझे समझ में आ गया है। तो भ्राता जी ने जैसे बताया कि कितने भाग्यशाली है जो अभी वर्तमान समय जो सेंटर बनते हैं तो उनको कैसे सब कुछ व्यवस्थाएं मिलती है। मुझे याद है जब हम लंदन में गए थे तो वहाँ की बहन ने बताया कि जानकी दादी जब पहली बार यहाँ आए थे तो एक छोटा सा रूम था, वही रूम क्लासरूम वही किचन वही बेड सब कुछ हुए, और यहाँ तक था कि सोने के लिए खटिया तक नहीं थी। तो एक दिन दादी जी ने देखा कि रास्ते के बाहर एक कोई बेड किसी ने छोड़ दिया, मतलब वहाँ एक सिस्टम होता है जो हमें सामान नहीं चाहिए वो रास्ते पे रखते तो म्यूनसिपालिटी वाले लेके जाते हैं। तो दादी जी ने वो खटिया अपने रूम में लिया और वही संदल बनी, और जब खाना बनाते थे तो खटिया के नीचे से वो सारा स्टोर ये सब बाहर निकालते थे खाना बनाते थे, और जब क्लास शुरू हो जाता तो सारा बेड के नीचे चला जाता। तो इतना त्याग तपस्या की मूर्ति भविष्य में वही दादी जी एक ये संस्था की चीफ ऑफ प्रभाव हमारे लिए, तो त्याग तपस्या का बहुत बड़ा रोल है जो हम सबके जीवन में आता है। तो जैसे बताया भ्राता जी ने कि हम अपने को तैयार रखते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी आती रहेगी और जाती रहेगी, कोरोना आया जा रहा है विदाई तो देनी है उसको, तो अपने आप को तैयार रखो, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। कई लोग कहते हैं ना कि अब मेरे को क्या करना है, मुझे पास तो कुछ काम ही नहीं है। काम ढूंढो, अपने आप ढूंढो। आप सभी ने इस काम को किया होगा, जिनों को आदत थी मनन चिंतन करने की, जिसको आदत थी कुछ लिखने पढ़ने की, वो पूरा बिजी रहे पूरे कोविड में, खूब पुरुषार्थ किया उन्होंने, बहुत तपस्या की। मैं खुद का अनुभव